मथुरा से हमारे सहयोगी पिंटू भी जुड़ गए हैं। मथुरा का हम जिक्र कर रहे हैं बहुत देर से। पिंटू पिंटू ये बताइए कि मथुरा में क्या मुद्दा है इस बार का, किस मुद्दे पर मतदान हो रहा है? कृष्ण की नगरी है, अगला टारगेट कृष्ण की नगरी हो सकता है, ऐसा बीजेपी लगातार कहती आई है। जी जी जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मथुरा जो कृष्ण नगरी है, जो यहाँ के जो मतदाता है, जो यहाँ के कृष्ण कुमार गोपाल है, यहाँ के बड़े सब चीज जानते और समझते हैं, और यहाँ का जो मतदाता है, यहाँ का जो वोटर है, महंगाई को जानना है, रोजगार को जानना है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, नहीं तो कहीं ना कहीं अब का जो वोटर है तो वो सब चीज सोच समझ कर अपना वोट कर रहा है, मतदान कर रहा है। पीछे आपके कुछ युवा मुझे नजर आ रहे हैं, लुका छुपी सा खेल खेल रहे हैं, उनसे पूछ ही लीजिए। सरदार जी, हम बात कर लेते हैं, जी क्या नाम है आपका और किस मुद्दे पे आपने आपकी वोट किया और क्या आपके मुद्दे रहे? मेरा नाम शिवा है। शिवा जी, तो शिवा जी बताइए आपके किन मुद्दों पे आपने वोट किया? आप युवा भी है। मकान बनाया है उसने। अच्छा, किसने मकान बनाया है? श्रीकांत शर्मा जी ने। चलिए, इनका कहना श्रीकांत शर्मा जी ने मकान बनाया और हमने आपके पीछे एक लाल पगड़ी में सरदार जी भी दिख रहे हैं। सरदार जी से जरा पूछिएगा कि किसको वोट देना है। सरदार जी थोड़ा आप सामने आइए। आपने थोड़ा वोट किया, कोई बात नहीं है, थोड़ा आ जाइए, कोई बात नहीं है, आप आ जाइए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं आना पसंद कर रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, रिपोर्टर साहब नहीं आगे बताइए। चलिए सरदार जी कुछ बताने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, सरदार जी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी जो फोटो है हमारे कैमरों ने खींच ली है। चलिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि क्योंकि ये पश्चिमी है और यहाँ पर आरएलडी के जो जयंत चौधरी साहब हैं, काफी रैलियां कर चुके हैं, काफी भाषण तो उस वक्त से दे रहे हैं जब हाथरस में उन पर लाठी चली थी, तब भी एक बहुत बड़ी रैली कर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद आजकल भी वो देखे जाते हैं मथुरा में, काफी एक्टिव है, इनका क्या दिख रहा है? काफी समय से वायरल हुआ उनका, जो आप जो बात कर रहे उस वीडियो की, खूब वायरल हुआ आपके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी साहब जो है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी साहब जो है वो काफी एक्टिव दिखते हैं मथुरा में, तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी, इनको इनका क्या है, इनका कुछ दिख रहा है, हवा क्या है इनकी? देखिए, मैं बात करूं, देखो जयंत चौधरी साहब की और सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही मथुरा विधानसभा में, मथुरा की 5 विधानसभाएं और तुम्हारी इनमें से 3 टक्कर में टक्कर दे सकती है, 3 सीट। मैं बलदेव की बात करता हूं, बलदेव से बबीता जी है, तो जिसमें बीजेपी को पूर्ण प्रकाश जी को टक्कर दे रही है, और एक तुम्हारी सीट मैं मांग के ले लेता हूँ तुम्हारी छाता की, वहां से चौधरी लक्ष्मी नारायण को टक्कर दे रही है सीधी। श्रीकांत शर्मा एक तरफा है कि नहीं? जी श्रीकांत शर्मा जी, मैं मथुरा विधानसभा की बात करता हूँ। मथुरा विधानसभा का जो वोटर है श्रीकांत शर्मा के चेहरे पे वोट तो उनको नहीं मिल रहा है और ना जा रहा है, उनके चेहरे पे वोट बिल्कुल लोग को पसंद भी नहीं कर रहे हैं। अब आपका जो वोटर है, मथुरा विधानसभा का जो वोटर है, सब चीज को जानना है, समझ रहा है, बिजली महंगी देखी उन्होंने, गैस सिलेंडर महंगा देखा, तमाम चीज मुद्दों को लेकर अब मथुरा की जनता ने वोट किया है आपके, तो कहीं ना कहीं मैं मानना हूं आपकी बात। आपने छाता विधानसभा का जिक्र किया है, छाता विधानसभा बहुत ही संवेदनशील एक इलाका है, वहां पर किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, मैं मतलब छाता की विधानसभा की बात करता हूँ, छाता का जो वोटर है, जो वहां का जो किसान है, किसानों ने सब चीज वहां की देखी है, तो वहां की टक्कर में मानता हूँ बीजेपी और लोकदल में बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है, बिंजू आपका मैं रुक करूंगी, उससे पहले संजीव लगातार मुजफ्फरनगर से मेरे साथ बने हुए हैं। बोलूं संजीव, विवेक से कहो कि नया परसेंटेज कुछ आया है कि नहीं, इसकी ब्रेकिंग बनवा लो। देश ही नहीं विदेशों में बहुत चर्चित हुए थे, इसके अलावा मुजफ्फरनगर में किसान भी बड़ी संख्या में हैं, क्या असर आज के इस पहले चरण का दिखाई दे रहा है? जी मैं बताऊं, जैसे आपने दंगे की बात की है, दंगे को लेकर अगर मुजफ्फरनगर का व्यक्ति कहीं जाता है और उससे पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हो और बोलता है कि मुजफ्फरनगर है, तो लोग उससे बचते हैं, कटते हैं कि मुजफ्फरनगर यहाँ पर दंगा हुआ था। और बात अगर किसानों की करें तो अभी कुछ देर पहले ही कपिल देव अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, दोनों एक बूथ पर वोट डालने के लिए गए, एक जगह मिले, मुलाकात हुई, तो कपिल देव ने कहा कि उनको कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने वहीं पलटवार
जवाब देते होगा, ये तो 10 मार्च को पता चल पाएगा कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई। संजीव गन्ना पे जिन्ना पे बहुत बात हुई है मुजफ्फरनगर में, तो गन्ना का बताइए फिर जिन्ना का भी बता दीजिएगा, इसका असर कैसा है? गन्ने की बात करें तो किसान जो है, किसान और भारतीय किसान यूनियन पर जो किसान संगठन है सभी मिलकर ये गन्ने की बात करते, गन्ने के भाव की बात करते हो, साथ ही साथ भुगतान की बात भी करते हैं। अरे बात जिन्ना की, तो जो मुस्लिम समुदाय है वो हमेशा ज्यादातर जिन्ना की बात करता है, और जिन्ना को लेकर के ही आज जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उनमें मुस्लिम लोग ज्यादातर गठबंधन की ओर उनका झुकाव है और गठबंधन को वोट कर रहे हैं। संजीव अब देखिए मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूं तो अब समय ये हो चुका है कि जो भी किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं वापस लौट चुके होंगे और अब पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे होंगे, और इसी बीच अगर किसानों के लिए आज बहुत बड़ी खबर आती है वो ये आती है कि अजय मिश्रा जो कि लखीमपुरी खान में आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है, क्या आपकी बात हो पाई है किसानों से, क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर? किसानों की अगर बात करें, जैसे अजय मिश्रा को जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं इस चीज से भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा कि चुनाव के दौरान ही पहले तो उनको जेल भेज दिया गया और उसके बाद अब उनको जमानत दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं किसान इस चीज से भाजपा की तरफ से पीछे हट गए, क्योंकि ज्यादातर किसान भाजपा की जगह RLD और गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। वो जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, देखिए जब मैं बात करती हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वो दृश्य बहुत ही भयावह है और बहुत ही दुखद है उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिन लोगों के परिवार उजड़ गए, लेकिन बात चुनावों में जरूर होती है मुजफ्फरनगर दंगों की, तो ये बताइए कि उन दंगों का असर क्या इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 2017 में तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिला था, क्लीन स्वीप हो गई थी सपा। जी अब मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि जितनी भी अभी अब तक भाजपा की या फिर गठबंधन की या फिर सपा की या RLD की जितनी भी सभाएं हैं उन सभी सभाओं में 2013 के दंगे का हर राजनेता ने जिक्र किया है, यहाँ तक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जो गृहमंत्री अमित शाह हैं उन्होंने भी बार बार दंगे की बात को लेकर किया कि 2013 के दंगे को याद करो उसको लेकर वोट करो, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव पर 2013 के दंगे का पूरी तरह प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं, वो ये है कि मुजफ्फरनगर के आसपास जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो हमको ये बताते हैं कि जो वहाँ के बुजुर्ग हैं वो दरअसल आज भी जुड़े हुए हैं रालोद से, जो बुजुर्ग हैं वहाँ के मुजफ्फरनगर के वो आज भी रालोद से जुड़े हुए हैं और 2017 में भी वो जुड़े हुए थे, लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारी युवा जो पीढ़ी है ये दरअसल कहीं ना कहीं भ्रमित होकर BJP को वोट कराई थी, लेकिन इस बार ये रालोद को ही वोट करेगी। आपकी जो ये बात है कि बुजुर्ग जो लोग हैं RLD से जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों का यही कहना है कहने हमारे परिवार में अगर वो एक व्यक्ति भी है और वो जुड़ा हुआ है तो कहें मैं तो बुजुर्ग मैं RLD को ही वोट करूंगा, बाकी हमारे जो परिजन है वो चाहे भाजपा को वोट करें या सपा को वोट करें या फिर बसपा को वोट करें, मगर जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो RLD से जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, मैंने ये कहा कि 2017 से लेकर आज तक वहाँ के बुजुर्ग यही कहते हैं कि हमारे हम तो RLD के हैं सब, हमारा पूरा घर RLD का है, लेकिन युवा जो है जो बाहर निकल के घूम आया थोड़ा मोटरसाइकिल से वो बहक गया और बहकने के बाद वो BJP को वोट डालाया, तो इस बार के चुनावों में युवा बहकेगा या नहीं बहकेगा, क्योंकि इस बार वो कह रहे हैं कि अब युवा समझ गया अब युवा नहीं बहकेगा। अब कहीं ना कहीं अगर बुजुर्गों की बात करेंगे तो बुजुर्ग अपने जो इनके युवा हैं उनको समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन को वोट करें या फिर इनके RLD को वोट करें, यानी कि अजीत सिंह के जो बेटे हैं चौधरी जयंत चौधरी उनको वोट करें, युवा उनको समझा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए काविंद्र, यहाँ पर मुझे मुजफ्फरनगर से रालौद से एक चीज याद आती है, वो नाम है राकेश टिकैत, क्योंकि मुजफ्फरनगर से बागपत बहुत ज्यादा दूर नहीं है और बागपत से ज्यादा दूर सिसौली नहीं है, सिसौली वो गाँव है जहाँ से राकेश टिकैत आते हैं, उसका जिक्र आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, क्यों वहां पर इतनी ठंडक क्यों है, चुनावी माहौल तो गर्म है, उस सीट पर इतनी ठंडक क्यों है? दरअसल उस चीज पर अगर हम उस सीट की बात करें पर्टिकुलरली, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी पार्टी, अब चाहे रालोद की बात करें RLD है, RLD का जो कॉमन एजेंडा है, देखिए जो पार्टियां होती हैं वो अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। जब RLD जब ये किसान आंदोलन शुरू हो रहा था तब RLD इसमें कहीं नजर नहीं आ रही थी, आपको वो वक्त याद होगा जब तमाम दरवाजों पर दिल्ली के किसान आ रहे थे और उत्तर प्रदेश से भी आए थे, तब RLD वहां कहीं नहीं थी, क्योंकि RLD शुद्ध रूप से एक राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, किसान जब आ रहे थे तब RLD नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इस आंदोलन का ग्राफ बढ़ता चला गया वैसे ही RLD आ गई और इसको इनकैश करने की कोशिश की। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बात जरूर हुई है फोन पर, राकेश टिकैत साहब से फोन पर बात जरूर करी थी उस समय जब अजीत साहब थे, बात जरूर हुई थी, लेकिन एक चीज और है कि कभी भी मंच पर सीधे तौर पर पूरा मंच नहीं दिया कभी भी RLD को,
जो किसान नेता थे राकेश टिकैत साहब जो थे, पूरा वेस्ट जो कवर कर रहे थे, उन्होंने कभी भी पूरा मंच नहीं दिया रालोद को, पूरा मंच कभी नहीं दिया। और ऐसे में अब जब चुनाव हो रहे हैं तो बहुत कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत साहब, लेकिन अभी तक रालोद ने पूरा मंच नहीं दिया है। इसको बड़ा समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी, पेचीदा है। पूरा मंच कोई किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि जयंत चौधरी साहब नहीं चाहते कि राकेश टिकैत साहब किसानों के सबसे बड़े नेता बन जाएं इधर, और राकेश टिकैत कभी नहीं चाहेंगे कि केवल और केवल जयंत चौधरी यहां पर सबसे बड़े नेता बन जाए किसानों के। तो जब राकेश टिकैत हावी थे, अगर पूरे समाचार पत्रों में पहला पन्ना अगर फोटो उसमें छपता था राकेश टिकैत का, तो राकेश टिकैत ने कभी नहीं चाहा कि जयंत चौधरी को मंच दे दें पूरा। और अब जब अखिलेश यादव के साथ बस के ऊपर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं जयंत चौधरी साहब, तो वो कभी नहीं चाहते कि यहां पर मेरे बाजू में राकेश टिकैत साहब भी खड़े होकर हाथ हिला दें। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि जिसका जितना अधिकार क्षेत्र है उतने में वो काम कर रहा है। आज राजनीति है, आज इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उतना ही उन्हें दिया जा रहा है जितना उनको देनी चाहिए, उतनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल काविन, तो इसे हम ये समझते हैं कि पर्दे के पीछे की दुनिया कुछ और है, पर्दे के सामने जो दिख रहा है वो पूरी तरह से सच नहीं है, वो कहीं ना कहीं झूठ भी हो सकता है या हमारी आंखों के सामने पर्दा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं झूठ नहीं होता काजोल, एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। होता क्या है राजनीति में, राजनीति में या तो अगर सब कुछ सच है तो भी सब कुछ झूठ है, और अगर सब कुछ झूठ है तो भी सब कुछ सच है। ये ऐसे है कि जो जयंत चौधरी साहब आज अखिलेश यादव की बस के ऊपर नजर आ रहे हैं, बस के अंदर नजर आ रहे, रिपोर्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अगर इत्तेफाक रखिएगा तो बोलिएगा, बस के ऊपर नजर आ रहे हैं, बस के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के पिताजी मतलब इन्हीं के बापूजी कहते थे कि जिस गाड़ी के अंदर लगा है, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, उसके अंदर समझो बैठा गुंडा। तो गाड़ी तो छोड़िए आप, तो बस चल रही है पूरी, और बस के अंदर उन्हीं का लड़का बैठा है, तो अब वो कौन बैठा है? तो सब कुछ झूठ है या सब कुछ सच है? तो ये कुछ भी नहीं, ये पूरी दाल है जिसमें झूठ भी है और सच भी है, और पूरा लगा दिया तड़का उसमें राजनीति का बस। बिल्कुल संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत देर से हमारी चर्चा भी सुन रहे हैं। संजीव, अगर मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में किसान किस तरफ है, क्या रालोद पर पूरी तरह से निर्भर है या इस बार किसान जो है कुछ और परिवर्तन चाहता है? जी मैं बताना चाहूंगा, चुनाव से कुछ दिन पूर्व जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, और ये चिसोली जो क्षेत्र पड़ता है, ये बुढ़ाना विधानसभा में पड़ता है, और वहां से प्रत्याशी हैं गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी के नरेश टिकैत ने पूरा पूरा अपना समर्थन दिया था कि इस बार हम राजपाल बालियान यानी कि गठबंधन प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि पूरी तरह भारत किसानों का समर्थन ज्यादातर गठबंधन की ओर उनका झुकाव है। तो वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा है मुजफ्फरनगर में अभी तक, क्योंकि अब चार पांच बजने वाले हैं और सिर्फ मात्र एक घंटे का समय बचा है, 6 बजे तक सिर्फ पोलिंग है। अभी तक जनपद मुजफ्फरनगर में जी अभी तक जनपद मुजफ्फरनगर में कुल मिलाकर 52.17% मतदान हो चुका है, और अभी एक घंटा और बाकी है, तो लगभग समझो कि 65-70% मतदान मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। चलिए ठीक है संजीव, यहाँ मैं रोकूंगी। काविंद देखिए, अगर हम पूरा गुणागणित करें तो इस वक्त जो प्रतिशत है वो 50 मान लीजिए आप, क्योंकि कुछ सीटें हैं जहाँ पर 52-53% दिखाई दे रहा है, तो महज आधे प्रतिशत वोट क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है? क्योंकि आप बखूबी जानते हैं और फील्ड पे भी उतरते हैं, बकायदा आप बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, अपने खास प्रोग्राम बनाते हैं इन सब चीजों को लेकर। देखिए, अगर कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है गिरा है ये तो हर बार होता है, लेकिन वोट प्रतिशत क्यों गिर रहा है इसको लेकर जरूर हम चर्चा कर सकते हैं कि वोट प्रतिशत क्यों गिर रहा है। क्या लोगों का जो एक इच्छा होती है, आम लोगों से हम बातचीत करते हैं तो आम लोग बड़ा हमको खुलकर बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम परेशान हो गए इस राजनीति से। राजनीति में अभी जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि गर्मी बढ़ा देंगे, सर्दी बढ़ा देंगे, चर्बी हटा देंगे, सबको पता है, सबको पता, रिपोर्टर साहब आपको भी पता है कि ना तो गर्मी बढ़ेगी, ना सर्दी बढ़ेगी, ना चर्बी घटेगी, कुछ नहीं होगा। जो जीत जाएगा उसका भला होगा, जो हार जाएगा उसका तो भला हो ही चुका। और बाद में ये सभी नेता, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी बैठ के साथ में गुड़ दही मक्खन खाएंगे, सब साथ में बैठ के खाएंगे, और जनता जो आज नमक रोटी खा रही है ये कल भी नमक रोटी खाएगी, परसों भी नमक रोटी खाएगी, आज सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही है कल को भी महंगा सरसों का तेल इस्तेमाल करेगी, परसों रिफाइंड महंगा हो जाएगा तो कहेगी रिफाइंड महंगा हो गया, फिर आलमंड ड्रॉप्स महंगा हो जाएगा, आलमंड का जो तेल आता है फिर कहेगी ये महंगा, फिर हेयर ऑयल महंगा, फिर कहेगी टूथब्रश महंगा। तो महंगाई ये मुद्दे जो है ये हमेशा चलते रहेंगे, क्यों रिपोर्टर साहब, ये हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन नेता जो आज बातें कर रहे हैं, जिनको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं,
ये कल साथ में बैठकर ही लस्सी पिएंगे और क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला ठंडी लस्सी पिएंगे। चलिए ठीक है, तो पूरी तस्वीर जो है स्पष्ट नजर आ रही है और हम लगातार चुनावी कवरेज पर बने हुए हैं। 11 जिले और 58 सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ये चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी।